असला माय डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर फाइव की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं थैंक यू लॉर्ड पोएम अल्लाह तेरा शुक्र है आज हम उसमें करेंगे नेगेटिव फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स दे आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम वॉइस एंड मूड ऑफ देंटेंस वर्ब आप जानते हैं कि एक्शन वर्ड है और जो हेल्पिंग वर्बस हैं वो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं जैसे वुई शुड हेल्प आवर पेरेंट्स पेरेंट्स कहते हैं वालदेन को हमें अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए तो इसमें हेल्प जो है वो मदद करना मेन वर्ब है और शुड जो है उसको सपोर्ट कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बी डू और है क्योंकि आपको पता है कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को करता है तो इसलिए बी जो है वो इस एम आर वाज वर् में चेंज हो जाता है और डू जो है वो डू डज डि डू जो है वो प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए और हैव हैज़ हैव हैड एक बंदे के लिए हैज़ मोर देन वन हैव और पास्ट के लिए हैड नेगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं हम हम इसके साथ नाट लगाते हैं वर्ब नेगेटिव एक वर्क को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाते हैं जैसे ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी वो पढ़ना नहीं चाहता अब हम देखते है आगे एग्जाम्पल शी इज नाट प्लेइंग विद द डॉल शी इज ये लड़की नहीं खेल रही प्लेइंग विद द डॉल गुड़िया के साथ नहीं खेल रही बल्कि ये पढ़ रही है तो शी इज नॉट प्लेइंग विथ द डॉल में इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्लेइंग मेन वर्ब है और नॉट नेगेटिव फॉर्म है ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर गोइंग जो है वो मेन वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है सो हेल्पिंग वर्ब इज आर दे आर नॉट गोइंग गोइंग इज मेन वर्ब और नॉट इज नेटिव फार्म तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा है ही नॉट ऑन लीव तो इसमें जो है वो सिर्फ वो छुट्टी पे नहीं था एक सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब का काम ही हेल्पिंग वर्ब का रहा है वी हैव नॉट द पार्सल हमने पार्सल रिसीव नहीं किया तो रिसीव जो है वो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो है इसको नेगेटिव बनाता है They were not tired. Tired कहते हैं थकावट को वो थके हुए नहीं थे तो इसमें वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब टायर्ड है शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क उसने अपना काम पूरा नहीं किया कंप्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है और हैज जो है वो helping verb है वो हेल्पिंग वर्ब और नॉट इज नेगेटिव फॉर्म टास्क कहते हैं काम को कंप्लीटेड मुकम्मल करने को सर्कल द हेल्पिंग वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिविंग गिवन सेंटेंसेस अब आपकी बुक में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आप पहले खुद से भी इनको पढ़ लें और अगर आपको ना समझ आए तो ये वीडियो देख लें हमने मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है उसके नीचे लाइन लगानी है और हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सर्कल करना है तो पहला सेंटेंस है द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड काउज गाय को कहते हैं ग्रेजिंग घास चरने को कहते हैं और फील्ड खेत को कहते हैं तो यहाँ पे काउज जो है वो उछल कूद कर रही हैं लेकिन चर नहीं रही तो इसमें जो है ग्रेजिंग इज द मेन वर्ब और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैजून हर ड्रेस उसने अपना ड्रेस सी लिया है तो इसमें सून जो है सीने को कहते हैं ड्रेस uh, कपड़ों को कहते हैं और हैज इज अल्पिंग वर्ब और स्यून इज अन वर्ब नेक्स्ट है वी डिड नॉट वॉच द न्यूज चैनल हमने न्यूज चैनल नहीं देखा तो वॉच इज़ द मेन वर्ब एंड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड नॉट गॉन येट हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है गॉन जाना वो अभी तक नहीं जा गया था तो हैड इज हेल्पिंग वर्ब एंड गॉन इज

तालुक जोड़ो रोज तर्जुमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ना ऐसे ही है जैसे आप स्कूल में दाखला लेते हैं और फिर कोर्स पढ़ते हैं तो अगर हम मुसलमान हैं तो कुरान हमारा कोर्स है इसको रोज कम अज़ कम तीन आयात उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना आपने ऊपर लाजिम कर लें उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें